एक बार एक लड़के और एक लड़की की फेसबुक पर दोस्ती हुई। इस दोस्ती की खास बात ये थी कि लड़की ने लड़के को देखा हुआ था, पर लड़के ने कभी भी लड़की को नहीं देखा था। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पर मुलाकात नहीं हुई थी कभी, बस ऑनलाइन ही फ्रेंडशिप थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जैसा कि लड़के और लड़की की दोस्ती में हो ही जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, रोज़ घंटों घंटों तक दोनों में चैटिंग हुआ करती थी। फिर दोनों ने सोचा कि अब इस प्यार को कोई शक्ल भी देनी चाहिए, तो दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि कल शाम 4 बजे वो पार्क में मिलेंगे। लड़के ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा। लड़की ने कहा, मैं पिंक ड्रेस में आऊंगी और मेरे हाथ में एक सफ़ेद गुलाब होगा। लड़का अगले दिन शाम को उस लड़की से मिलने गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा तो चौंक गया। वहां एक मोटी बदसूरत औरत खड़ी थी पिंक ड्रेस में, जिसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था। उम्र भी उसकी ज़्यादा थी उस लड़के से, लेकिन लड़के ने वो सारी प्यार भरी बातें याद की और आगे बढ़कर उस लड़की के पास जाकर बोला, आई लव यू, और कहा, मैं ही वो तुम्हारा फ्रेंड हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ आई हो। ये सुनकर उस औरत ने मुस्कुराकर कहा कि मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम मिलने आए हो। फिर उस औरत ने उस लड़की को आवाज़ देकर बुलाया। लड़की ने आते ही पूछा, तुम बताओ तुम कितना प्यार करते हो, जिसे तुमने चाहा था अगर वो लड़की ये होती तो। इसका जवाब उस औरत ने दिया कि इस लड़के ने दिखा दिया है कि ये सच्चा प्यार करता है तुमसे, वरना ये मुझे देखकर वहाँ से वापस भी जा सकता था, क्योंकि मैं तो उसे पहचानती भी नहीं थी। लड़के ने कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपने ख्वाबों में सजाया है, हर पल तुम्हारी मीठी बातों को महसूस किया है, और इस सब में तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं थी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम चाहे जैसे भी हो। लड़की ये सुनकर लड़के की गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसे सच्चा प्यार करने वाला साथी जो मिल गया था। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, इसे करने के लिए किसी साफ इंसान की ज़रूरत नहीं, बल्कि साफ दिल की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी स्टोरी भेजिए, हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे।